Okay, so good morning. Welcome to again Riding Singh, and today is 8th April 2018 and we are riding for one ride, and this is Royal Enfield. आज मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, but still thanks to Royal Enfield of Jabalpur कि आज हम लोग जबलपुर से जा रहे हैं और मेरे को गाड़ी इन्होंने दी हुई है. थैंक्स. और यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त लोग खड़े हुए हैं. हाय, आभास, आकाश, मोहित, जावेद, जावेद भाई. और वहाँ पर हमारे साथ इस समय दो राइडर्स और जुड़े हुए हैं और अंकित भाई ने मुंह ढक लिया है. ओके. और यहाँ पर हैं पिछले हीरो हमारे साथ मधुमक्खी वाले. ओके. और ये हमारी मैडम है. ओके. हमेशा अपडेट करती रहती हैं. सो गाइस, नाउ वी आर लीविंग. मैं आपको अपडेट करते रहूँगा. वी आर गोइंग आई थिंक जोतेश्वर, जो कि यहाँ से 70-71 किलोमीटर्स. देयर आर टू रूट्स. वी आर फॉलोइंग द फर्स्ट रूट, दैट इज थ्रू चरगवा. तो देखते हैं कैसी राइड रहती है. गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन राइडर्स का जोश कम नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे राइडर्स हैं मेरे साथ. सो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स राइड टुगेदर. दिस इज द फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल विच इज ऑफिशियली अनाउंस्ड एज वन राइड फॉर रॉयल एनफील्ड. ओके, सो हियर वी गोज. और ये हमारी राइड चालू हो चुकी है. हम लोग इस समय जा रहे हैं जबलपुरी स्टाइल में. मेरे पीछे बहुत सारे राइडर्स हैं. आज वन राइड का प्लान हुआ है. थोड़े कम राइडर्स ने ज्वाइन किया. आई विश थोड़ा राइडिंग स्पिरिट और जगाना पड़ेगा. और ठीक है यार, मतलब मुझे लगता है कि मैं सोलो राइड करता हूँ तो सोलो से बेटर है कि आई थिंक 5 लोग आए, 10 लोग आए या 15 लोग आए. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव सम पीपल ऑन योर बैक. सो फार सो गुड. दिस इज निखिल भाई स्टाइल. ऑफ कोर्स मैं उनको थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ उनसे, एंड दैट इज़ वाई. चलो अभी तो जबलपुर से निकल रहे हैं, अपडेट करते रहूँगा आपको. और हम लोग निकल गए हैं फिर से. वेट कर रहे थे, हमारे दो बंदे गए हुए थे ब्रेकफास्ट लाने के लिए, उसी के लिए. और अभी हम लोग एंटर कर गए हैं चरगावा की तरफ. रोड बहुत शानदार है, मौसम बड़ा शानदार है. थोड़ी सी आयरनी है इसमें, बिकॉज गर्मी तो बहुत तेज है, बट स्टिल मज़ा आ रहा है. और काफ़ी सारे राइडर्स इस बार हमारे साथ एक्सपीरियंस राइडर्स हैं. फ्रेशर्स हम ये बोलेंगे, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन दे आर एक्सपीरियंस्ड इन देयर ओन फर्स्ट वन एज यू कैन सी. एंड सो आर वी. तो यहाँ पर बहुत ही शानदार रोड, शानदार नज़ारे, पहाड़ियाँ, वादियाँ सब है इस राइड पे. ये है वन राइड ऑफ रॉयल एनफील्ड. सो मजा लीजिए रोड का.
एंड फाइनली वी आर हेयर एट जोतेश्वर. अभी जस्ट एंटर किए हैं, ठंडक है, मंदिर काफ़ी अच्छा है. एज़ यू कैन सी दैट मेरे पीछे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी देवियों के फ़ोटो हैं. फ़ोटो लेना मना है इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स. लेकिन अच्छा है, राइड काफ़ी अच्छी है. गर्मी थोड़ा पड़ रहा था लेकिन बीच में क्या हुआ, स्प्रिंकलर्स थे तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. घर में स्प्रिंकलर्स काम कर रहे थे तो रोड बीच में काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब इट वॉज़ लाइक कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा था उतना. और अब यहाँ से देखते हैं, बीच में हम लोगों ने एक जगह ब्रेकफास्ट किया हुआ था लेकिन खाने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस जगह पर खाना अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी. और हमें शायद लगता है या तो गोटे गाँव जाना पड़ेगा यहाँ से. और ये देखिए मंदिर में अब हुआ है प्रवेश, हमारी गौ माता का ये आ रही है पीछे मेरे. गेहूँ रखे हुए हैं तो वही खाने के लिए जा रही है. सो वी आर हेयर, अब थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्ट करेंगे. मंदिर अच्छा है, इट्स वर्थ. अगर यहाँ पर बरसात में आएंगे तो आई थिंक कि ये और भी खूबसूरत लगेगा. और चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में. आ गए हैं वन राइड से, इट वॉज सक्सेसफुल इवेंट. वी वेंट टू जोतेश्वर, बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे राइडर्स ने मस्ती की, बहुत सारा आई थिंक एंजॉय किया हम लोगों ने. गर्मी बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बावजूद राइडर्स का जोश बरकरार था. थैंक्स टू ऑल राइडर्स फॉर कमिंग. आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसी राइड्स होती रहेंगी. जो राइडर्स इस वाली राइड में हमारे साथ थे वो अगली राइड में भी रहेंगे और इसके साथ कुछ और नए राइडर्स भी जुड़ेंगे. And thanks to Royal Thumpers Jabalpur again for conducting such a beautiful ride. और बस बहुत अच्छी राइड रही. Sunday was awesome. This was the successful event of one ride. And देखते हैं अब अगली राइड कहाँ पर होगी और कब होगी. So तब तक के लिए signing off. Bye bye.